Hi friends, Mummy is back with an amazing paratha masala. ये तो must try है, तो आइए देखते हैं रेसिपी। Hello friends, कैसे हैं सब? देखिए, मैं हमेशा कुछ न कुछ आपको अपने चैनल में रेसिपीज वगैरह भेजती हूँ। आज मैं आपको एक रेसिपी, स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कोई मतलब किसी भी तरह के खाने की उसकी नहीं है कि आपकी कोई डिश की हो। ये सिर्फ डिश में डाले जाने वाले मसाले की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। आप कई तरह के पराठे वगैरह बनाते होंगे, तो पराठों में मसाला डालने के लिए आपको 4-5 डब्बे कम से कम खोलने पड़ते हैं। आप उसमें नमक का डब्बा खोलते हैं, अजवाइन वगैरह का खोलते हैं, मिर्ची का, पुदीने का, या जो भी जिस तरह की भी चीज़ें आप उसमें डालने लगते हैं, तो आपको 4-5 डब्बे कम से कम खोलने पड़ते हैं। तो उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपके लिए एक पंजाबी पराठा मसाला रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही सिंपल है और हमारे घर में वो सब इंग्रेडिएंट्स हमेशा मौजूद रहते हैं। सिर्फ यदि नहीं मौजूद होता होगा तो हमारा वो स्टार इंग्रेडिएंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने जो भी आज चीज़ें इस्तेमाल करनी है उसके बारे में मैं आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स पहले मैं बता देती हूँ कि हम आज उसमें उस मसाले में क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं उसमें सूखी मेथी यूज़ करेंगे। 2 चम्मच मैंने ली है, इसको भी मैंने घर में ही सुखा के तैयार किया है। 2 चम्मच मैंने पुदीने का पाउडर लिया है, जो मैंने घर में ही तैयार किया है सुखा के। 2 चम्मच अजवाइन पाउडर है। 2 चम्मच हमारा धनिया, खड़ा धनिया हमने थोड़ा हल्का हल्का दरदरा कर लिया है। 2 छोटी चम्मच हमने काली मिर्ची ली है। 2 चम्मच हमने जीरा लिया है और चिली फ्लेक्स हमने 2 बड़ी चम्मच ली है, क्योंकि हमने इसके बीजे नहीं डालेंगे, हमने वो लिया है। और उसके अलावा नमक जितना हमें डालना रहेगा उस हिसाब से हमने नमक भी लिया है। मेन हमारा है अनारदाना। ये देखिए, अनारदाना आप देखेंगे ये इस तरह से रहता है। उस अनारदाने को मैंने ये पीस लिया है, पीस के दरदरा सा हल्का तैयार कर लिया हुआ है। तो अब इन सबको हम आपस में मिक्स कर देंगे और एक बहुत ही अच्छा मसाला तैयार होगा। मैं आपको बताती हूँ। सब चीज़ें हमने 2-2 चम्मच के हिसाब से ली हुई हैं। आपको कम ज़्यादा करना है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं। मैंने ये अनारदाना 100 ग्राम लिया था और उसे फिर धूप दिखा के पीस लिया है, रेडी कर लिया है पीस के, आपको दिखाने के लिए अलग से रखा हुआ है। जो भी हम स्टफ पराठे बनाते हैं उसमें अलग से हमें बहुत सारे मसाले डालने पड़ते हैं, पर आप उन सब से बच जाएंगे आप यदि एक ही तरह का मसाला बना के और रख लेंगे। हमने नमक इसलिए ज्यादा डाला है ताकि आपको बनाने के टाइम अलग से नमक ऐड नहीं करना पड़ेगा। और ये मसाला आप 6-7 महीने तक रख सकते हैं, खराब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, घर का बना हुआ मसाला है। मेथी और जो पुदीना है वो हमारे खूब अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, उसकी जो एक खुशबू आती है उसकी वजह से डालना चाहिए, अच्छा लगता है। कई लोग पराठे जो भी यूज़ करते हैं उसमें मसाले में आमचूर वगैरह डालते हैं, हमने आमचूर ही न डाल के इसमें हमने अनारदाने को लिया है। अनारदाने के टेस्ट बहुत अलग आता है। पंजाबी छोले वगैरह भी जो बनते हैं उनमें इमली यूज़ होती है या फिर अनारदाने का ही पाउडर डाल के उसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर पंजाबीज। ये देखिए, हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक अच्छा सा पराठा बना के दिखाती हूँ, आप देखेंगे। कई महीनों तक आप इसे रख सकते हैं, एयर टाइट डिब्बे में रखिए, कुछ भी नहीं होगा, कोई फफूंदी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है। ये चिल्ली फ्लेक्स भी मैंने घर में ही खुद तैयार की है, कटिंग कर करके। अब मैं आपको एक पराठा बनाने की दिखाती हूँ कि कैसे पराठा बनाऊंगी। वैसे तो सभी लोग इसको यूज करते हैं, तो पराठा बनाना कोई स्पेशल नहीं है, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ।
पराठे में हमेशा अंदर ऑयल या घी जो भी आपको पसंद है उसकी स्टफिंग जरूर करेंगे। उसके ऊपर हल्का सा सूखा पाउडर डालिए, तलेथन का पाउडर डालिए, सूखा आटा, और अब आप डाल देंगे आपका ये स्पेशल मसाला। ये मसाला जो हमने डाला है और पराठा जो तैयार होगा, इसको कई बार जरूरी नहीं रहेगा हमें किसी सब्जी की जरूरत हो या किसी तरह का कुछ जरूरत हो इसके साथ, ये रूखा भी पराठा बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब हमारा एक पराठा बन मिल गया है। अब हम इसे सेक रहे हैं, तवा गरम हो चुका था। पराठे के साथ हमने चाय भी चढ़ा दी है कि हम इस पराठे को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, चाय के साथ एंजॉय करेंगे। यूजुअली लोग ना पराठे में दोनों तरफ घी या तेल का इस्तेमाल करते हैं, पर मेरा ऐसा सोचना है कि दूसरा तरफ तो हम जब प्लेट पे रख देते हैं तो हमारे दूसरी तरफ का जो भी ऑयल या घी है वो तो सब तेल पे ही लगा रह जाता है। इसीलिए मैं हमेशा एक ही तरफ पराठे को सेकती हूँ। आपने देखा अभी मैंने एक ही तरफ पराठा सेका है और देखिए कितना कुरकुरा पराठा तैयार हो चुका है मेरा। अब इसको चाय के साथ हम एंजॉय करेंगे। आपको अच्छा लगा होगा ये रेसिपी, आपको ये पसंद आया होगा तो आप इसको जरूर बनाइएगा, ये मसाला और पराठा भी जरूर बना के खाइएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।